हेलो फ्रेंड्स मैं हूं निशा एंड वेलकम बैक टू निशा स्पेशन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मामा आर्थ ओपटन फोमिंग फेस वॉश का रिव्यू एक्चुअली मैं कुछ महीनों से इस फेस वॉश को यूज़ कर रही हूं तो सोचा आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ एक्चुअली मैंने इस फेस वॉश को अमेजोन से ऑर्डर किया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी अगर आपको चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं तो देखिए आउटर कवर जो है ना इस तरह के है आउटर बॉक्स में आता है ये फेस वॉश तो ये टैन रिमूवल फेस वॉश है एंड ये पैराविन फ्री है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है ये 150 फिफ्टी का पैक है एंड जिसका एमआरपी है थ्री डबल नाइन रुपीज तो देखिए इस फेस वॉश का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है टर्मेरिक एंड सैफ्रन तो इस फेस वॉश के पैक में ना कौन से एज के लिए सुटेबल है एंड ब्राइटर स्किन के लिए क्या क्या टिप्स है वो भी इसमें लिखा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेस वॉश को कैसे यूज़ करना है वो भी इसमें दिया हुआ है तो देखिए इस फेस वॉश को कैसे यूज़ करना है एंड फेस वॉश करते समय किन किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बट सबसे पहले ना इसमें जो टिप्स दी हुई है वो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ ब्राइटर स्किन के लिए जो जो टिप्स यहाँ पे लिखा है तो देखिए ब्राइटर स्किन के लिए यहाँ पे लिखा है अप्लाई लेमन जूस एंड हनी अ ग्रेट नेचुरल कॉम्बिनेशन फॉर हेल्दी स्किन ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन ड्यूरिंग द डे टाइम टू अवॉइड सन डैमेज फूड तो चलिए अभी इस पैक को ओपन करके देख लेते हैं मामा अर्थ उपटन फोमिंग फेस वॉश का जो पैक है ना वो दूसरे फेस वॉश से थोड़ा सा डिफरेंट है एक्चुअली इस पैक पे ना टॉप में एक ब्रश है ये पंप पैक है एंड इस ब्रश को यूज़ करके मसाज कर सकते हैं हम तो ब्रश में ना एक कैप से बंद है तो इस कैप को ऐसे रिमूव किया जाता है एंड ये कैप इसलिए दी हुई है ताकि ये जो ब्रश है वो क्लीन रहे हमेशा तो ब्रश भी बहुत सॉफ्ट है मैं यहाँ पे हाथ रख रही हूँ ना तो आई कैन फील इट तो इसी ब्रश को यूज़ करके फेस पे मसाज करना है बहुत जेंटली तो देखिए ये जो पंप पैक है ना इसके अंदर जो फ़ेस वॉश है मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ फेस वॉश का टेक्सचर कैसा है तो देखिए फेस वॉश का कलर कुछ इस तरह के है क्योंकि इसमें शैफ्रन एंड टर्मेरिक है ना तो इसलिए कलर ऐसा है एंड ये फेस वॉश ना लिक्विड टाइप है मतलब थोड़ा थिन लिक्विड है बहुत थीक लिक्विड नहीं है तो चलिए अभी इस फेस वॉश को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ तो देखिए अभी मैं मामा अर्थ उपटन फोमिंग फेस वॉश को यूज़ करके फेस वॉश करूँगी एंड फेस वॉश करते समय किन किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी तो देखिए पहला टिप यह है कि फेस वॉश को ना कभी भी डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई मत कीजिए पहले थोड़ा पानी लेके फेस को धो लीजिए उसके बाद ही फेस वॉश अप्लाई कीजिए दूसरा टिप यह है कि फेस वॉश को कभी ज्यादा या फिर कभी कम क्वांटिटी में यूज मत कीजिए जितना जरूरी है जितना नीड है उतना ही फेस वॉश अप्लाई कीजिए तीसरा टिप ये फेस वॉश को ना कभी भी अप्लाई करने के तुरंत बाद ही धो मत लीजिए थोड़ी देर फेस वॉश स्किन के ऊपर रहने दीजिए एंड फेस वॉश यूज करते समय हल्के हाथों से थोड़ा मसाज कीजिए एट लीस्ट दो मिनट तक मसाज कीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना वो स्किन के ऊपर थोड़ा रहना चाहिए तो ये मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भूल मत जाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि फेस के साथ साथ नेक पे भी फेस वॉश अप्लाई कीजिए क्योंकि फेस एंड नेक का जो स्किन टोन है ना वो सेम रहना चाहिए एंड सारे इम्प्योरिटीज दूर हो जाना चाहिए अभी तो मैं हाथ से मसाज नहीं कर रही हूँ मैं एप्लीकेटर यूज कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ दूसरा जो फेस वॉश होते हैं जिसमें कोई एप्लीकेटर नहीं होता है तो उसमें ना हाथ से मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वन मोर टिप कि फेस वॉश यूज़ करने के बाद फेस को वॉश करने के तुरंत बाद ही ना डैब कीजिए टॉवल से ऐसे रब मत कीजिए और जब फेस थोड़ा गीला रहे उस टाइम पे ही कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए लास्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेस वॉश करने के बाद ही मॉइस्चराइजर यूज़ करना जब फेस थोड़ा गीला रहे फेस पूरा ड्राई होने के बाद मॉइस्चराइजर यूज़ करने की कोई फायदा नहीं है तो मॉइस्चराइजर यूज करना मत भूलिए फेस वॉश यूज करने के बाद तो मामा आर्ट फोमिंग फ़ेस वॉश में ऐसा एप्लीकेटर होने की वजह से इसको यूज़ करना बहुत इजी हो गया है मसाज करना भी बहुत इजी हो गया है तो इस ब्रश के हेल्प से अच्छे से मसाज कर सकते हैं हम तो अभी ना हम बात करते हैं अभी इस मामा आर्ट फोमिंग फ़ेस वॉश की अवेलेबिलिटी के बारे में तो देखिए मामा आर्ट का अलग वेबसाइट है वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं नहीं तो आप मार्केट में ऑफ़लाइन भी जाके परचेस कर सकते हैं और ऑनलाइन फ़्लिपकार्ट अमेज़न कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं वैसे भी ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी वहां से आप चेक कर सकते हैं अभी देखते हैं इसमें कौन कौन से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं तो मैं आपको बता दूं इस फेस वॉश का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है टर्मरिक एंड सैफ्रन तो टर्मरिक स्किन को ग्लो एंड ब्राइट करने में हेल्प करता है और इसमें यूज किए गए हैं सैफ्रन जिसमें है एंटी ऑक्सीडेंट्स वाइटामिन एंड मिनरल्स जो की स्किन टोन को एनहेंस करने में हेल्प करता है साथ ही में इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड ग्लिसरीन जो कि स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है तो ऑल टोटल ये फेस वॉश बहुत ही यूजफुल है मेरे लिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो स्टे हैप्पी एंड हेल्दी बाय बाय